हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम व्लॉगर, क्या हाल है अरे जानी, ठीक ठाक। तुम बताओ क्या चल रहा है। यार? आज अगर फ्री हो तो जरा मेरे घर पे चक्कर लगाओ। क्यों, खैरियत? वो यार तुम व्लॉगर बन गए हो ना, तो सेल्फी लेता जरा तुम्हारे साथ, एक सेल्फी लेनी थी। हे हाँ, ज़रूर ज़रूर मिलेंगे मिलेंगे, काफ़ी टाइम से नहीं मिले अपन भी। मिलते हैं कभी, बनाते हैं प्रोग्राम। हाँ भाई, अब तो व्लॉगर बन गए हो ना तुम, तो बस तुम्हारी वीडियो देख रहे थे अभी यूट्यूब पे। बड़ी अच्छी वीडियो बना ली यार तुमने, हैं बड़े फेमस वेमस हो गए, व्यूज श्यूज ले रहे हो, हैं यूट्यूबर बन गए हो तुम तो यार, पूछते भी नहीं हो गरीबों को। अरे नहीं नहीं जानी, क्या हो गया, छोटी सी वीडियोस बनाई है, घूमने गया था अभी। हाँ, कड़े घूम फिर रहे हो भाई, तुम्हारा सही है ना, काम ना धंधा, बस घूमते रहते हो, हम तो बस काम 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 में फंसे रहते हैं। तुम्हारा सही है ना, काम करते हो ना कुछ, बस घूमना फिरना सही है भाई, तुम्हारी लाइफ सही है, ऐसी लाइफ अल्लाह सबको दे। अरे अरे और बताओ क्या चल रहा है। अरे कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारे व्लॉग देखे, मैंने बोला सही यार, लड़का सही बना रहा है व्लॉग श्लॉग, पहले बनाते थे क्या? अरे नहीं नहीं जाने, बस अभी गया था तो ट्राई की थी। मैं तो तुम्हें पता है कैसी शर्म वरम आती है, हम तो दूर ही रहते हैं इन चीज़ों से। अरे हाँ, वही मैं बोलूँ, ये कैसे बड़ा कब हो गया, ये हमारा हमजा है, ये तो बड़ा शर्मीला सा है, पिक्चर वगैरह भी ये बड़े शर्मा शर्मा के खिंचवाता, हम बोले हमने वीडियो वीडियो कब बना ली इसने यार, ये किस लाइन में आ गया ये। अरे हाँ, बस क्या करें। अच्छा ये बताओ, ये मैं देख रहा था तुम्हारे व्लॉग श्लॉग, तो इससे यूट्यूब से कितना कमा लेते हो तुम अभी? अरे नहीं नहीं अभी तो नहीं, अभी तो खैर नहीं कमा पाता। अरे हाँ तुम कहाँ बताओगे, हमने भी देखा है भाई यूट्यूबर्स को, कहाँ बताते हैं इनकम शिनकम, बड़े कमा रहे हो भाई, नोट छोड़। अरे नहीं जानी, वो तो मॉनिटर। अरे हाँ बस बस सही, सब पता है तुम्हारी नौटंकियाँ तुम लोगों की, बस यही बोलते रहते हो ताकि कोई ना कमा पाए। अच्छा वो मैं ये इसलिए कॉल की थी मैंने तुम्हें कि ये व्लॉग श्लॉग ये तो हम भी बना लेंगे यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बस कैमरा पकड़ के बस बोलना ही तो है, हेलो गाइस ये सब ही तो करना है, बस हम भी बना लेंगे यार, तो इसका बता दो क्या सीन होता है, हम भी बना लेंगे इसका वीलॉग, घूमते तो हम तुमसे ज़्यादा रहते हैं। हाँ हाँ बनाओ यार, क्या हो गया, बनाओ आप भी बनाओ। हाँ तो मैं यही बना तो मैं लूँगा, लेकिन वो होता है ना क्या 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 होता है। यार वो एडिटिंग नहीं आती मुझे, लेकिन मैंने बोला एडिटिंग तो हमजा सही कर लेता है, तो हमजा कर देगा मेरे एडिट में, तो मैं बना के तुम्हें भेज दिया करूँ, तुम कर देना एडिट, हैं बताओ कर दोगे मेरी एडिटिंग? अरे वाह, मुश्किल नहीं है यार। मैं भी कौन सी एडिटिंग एडिटिंग जानता था इतनी। तुम यूट्यूब पे देख लो कैसे एडिट करते हैं और कर लो, तुम भी सीख लो। अरे नहीं यार, वो इतना लंबा टाइम किसके पास है, कोई एडिट करें और लांजों में पड़े हैं, म्यूजिक डाउनलोड करें, और तो तुम कर देना ना यार, क्या हो गया, इतनी दोस्त हो मेरे, तुम कर दोगे एडिटिंग, क्या हो गया? हाँ, तो सही है सही है। तुम अच्छा, वो मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे, वो सौदा लेके आना है घर का, धनिया वनिया, तो बाद में बात करता हूँ मैं अरे तुमसे। अरे 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 काट दी कॉल। हाँ साले फेमस हो गया ना, व्लॉग श्लॉग बना रहे हैं, चल वैसे भी कौन सा इतनी अच्छी वीडियो बनाता है, ये खुद ही बना लेंगे, चल भाई कैमरा उठा यार। तो भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपनी ज़िंदगी मज़े में जी रहे होंगे। पहले तो भाई दिल से बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने भी सपोर्ट किया इतना, जिसने भी वीडियोस देखी और सब्सक्राइब वगैरह किया चैनल, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। मैंने बोला था चलो पहली पहली बार बना रहे हैं, शुरू किया है ब्लॉगिंग, तो आ जाएंगे व्यूज़, मतलब कोई मेरे दोस्त यार देख लेंगे, फैमिली वगैरह देख लेगी। मैंने बोला 20-30 व्यूज़ आ जाएंगे अगर मैं वो भी खुद देखूँगा और लोगों से ज़बरदस्ती बोलूँगा कि देखो मेरा व्लॉग, दोस्त यार फैमिली वगैरह से, तो देख लेंगे वो लोग। लेकिन 100 व्यूज़ और 2 दिन में 100 व्यूज़ तो आ ही जाते हैं वीडियो के ऊपर, तो मुझे पता है ये सिर्फ मेरे घर वाले नहीं देख रहे, दूसरे लोगों तक भी पहुँच रही है वीडियो मेरी, तो उसके लिए दिल से शुक्रिया। अगर आप कोई नए हो चैनल पे और मुझे जानते हैं, मतलब लाइफ में मेरे से बात नहीं होती आपकी और आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो बहुत बहुत शुक्रिया।
आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि चल रही है, एक दिल में तसल्ली है कि हाँ भाई कर लेंगे। और मेरे दोस्त यारों के दोस्तों ने भी, जब उन्होंने मेरे दोस्तों ने ज़ाहिर बात है रिकमेंड करी कि इसकी वीडियो देखो, मेरा हमारा दोस्त है, इसने व्लॉग्स व्लॉग बनाया बनाना शुरू किए, स्टार्ट किया अपना यूट्यूब चैनल, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ भाई अच्छी वीडियो एडिटिंग वगैरह, तो वीडियो भी अच्छी बना रहा है, तो पहले करता है। तो ये सुन के जब मेरे दोस्तों ने बताया कि हमारे दोस्त वगैरह ऐसे तारीफ़ कर रहे थे, तो वो बड़ा दिल को तसल्ली हुई कि हाँ भाई कर सकते हैं, इसमें कुछ कर लेंगे। वैसे तो कुछ उखाड़ा नहीं है अभी तक, लेकिन इसमें उम्मीद की किरण जागी है छोटी सी हल्की सी कि कर लेंगे कुछ ना कुछ। तो आज की वीडियो है अमीरों की एक स्कीम हाथ लगी है उसके ऊपर, ये वीडियो है, व्लॉग नहीं है ये एक तरह से, बस है कुछ ना कुछ, है कुछ ना कुछ बना लिया हमने, तो ये है, इसको आप देख लें देखना चाहें तो, और नहीं भी देखना चाहते तो अब आ गए हो तो देख ही लो यार क्या होगा। फारिग हो अगर इस बंदे की वीडियो तुमने खोली है, फारिग ही होगे तुम, कुछ कर तो रहे नहीं होगे, स्क्रॉलिंग कर रहे होगे या यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देख रहे होगे, देख ही लो यार। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो, बताता हूँ मैं आपको क्या सीन। तो ये कहानी है इस छोटे से डब्बे की, और इस डब्बे में है ये दो गोल मटोल से एयरबड्स, क्या कहते हैं, खैर जो भी कहते हैं, कहानी इसी के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या अच्छे से एयरपोर्ट्स दिखा रहा है यार, ये आज के ज़माने में जहाँ एयरपोर्ट्स प्रो चलते हैं, ये क्या 1500-2000 रुपये वाले दिखा रहा है एयरपोर्ट्स की अनबॉक्सिंग दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि ये 1500-2000 के भी नहीं, ये सिर्फ हैं 2 रुपये के, वही ना इंटरेस्टिंग बात, कहानी सिर्फ सारी ये है। ये आए थे एयरपोर्ट्स मेरे पास कुछ 2 हफ्ते पहले, 1 या 2 हफ्ते पहले आए थे इस पैकिंग के अंदर, इसकी अनबॉक्सिंग भी की थी मैंने, अनबॉक्सिंग तो नहीं खैर अनपैकिंग, क्योंकि पैकेट में आए थे, तो अनपैकिंग भी की थी मैंने इसकी, उसकी भी वीडियो बनाई थी। तो पहले तो आप वो अनपैकिंग की वीडियो दे। तो भाई ये कुछ इस तरह का पैकेज आया है, और यहाँ पे मेरा एड्रेस फ़ोन नंबर वगैरह लिखा हुआ है, और इस तरह का पैकेज है, इसको खोलते हैं। अच्छा ये स्टीकर है, खाली स्टीकर है भाई खाली। तो अब यहाँ पे मैं पूरे घर में मुझे खोलने के लिए मिला क्या है, ये देखें आप, नेल कटर और उसके ऊपर के उससे खोल रहा हूँ मैं, जिसके मेल वगैरह निकालते हैं, लेकिन बड़ी हार्ड खुल जा भाई, बड़ी हार्ड प्लास्टिक है ये, जुगाड़ करनी पड़ेगी कुछ। चलो भाई फाइनली ट्राइंग टू अनपैक दिस पैकेज पार्ट 3, और इस दफ़ा मैं फुल तैयार हो के आया हूँ। लेकिन अब मिशन ये है कि एक हाथ से मुझे रिकॉर्ड करना है, एक हाथ से कैंची चलानी, तो देखते हैं क्या होता है। चल जाओ भाई कोई जाओ, कट लग गया भाई, कट लग गया, और इसी को ट्राई करते हैं नील कट करने की। कट नहीं नहीं हो जा हो जा, सीधा हो भाई, एक जगह नहीं हो रहा ना, तो हाथ से एक हाथ से रिकॉर्ड करूँ मैं, दूसरे हाथ से कटिंग करूँ, तो ये थोड़ा सा मुश्किल मरहला है। हाँ यहाँ से कट होगा, आ गया, अब आया पकड़ में, अब आ गया, कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा। तो भाई इस शानदार अनपैकिंग के लिए और ये जद्दोजहद के लिए मेरी 1 सब्सक्राइब और 1 लाइक तो बनता है। क्यों भाई खुल गया, अब तो खुल गया। बड़ी शानदार अनपैकिंग की है भाई मैंने, देखो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना चाहिए। इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा और लेते हैं, थोड़ा सा और खोल लेते हैं, और बस पैकेजिंग वैसे बड़ी टाइट की है भाई चाइना वालों ने ना। तो हाँ तुम आ जाओ, तुम देख लो क्या है तुम्हारे खाने मतलब की चीज़ है ना यार। तो भाई ये कुछ इस तरह का है, इग्नोर माई सेक्सी लेग्स, इस तरह की कोई पैकिंग में आया है एयरपॉड्स, और अंदर केबल भी है इसके, तो इसको निकाल के देख लेते हैं।
पैकेजिंग बड़ी ज़बरदस्त की इन्होंने की कोई खोल ना पाए, और खोले तो फिर पता लग जाए हमें, और बड़ी सेफ्टी के साथ है। 2 रुपये की चीज़ में इतनी सेफ्टी, वाह। मेरी कुंडिया ये तो आसान जगह, ये तो हल्की सी पैकेजिंग थी, हल्की सी पन्नी थी। ये केबल है भाई, USD की एंड्रॉयड की केबल है। हटो, ये है भाई सेट्स से हमारे एयरपॉड्स। वाह जी वाह, ये बड़े टाइट है, बड़े टाइट है, नए नए हैं ना। क्या समझ रहे थे 2 रुपये के हैं तो ऐसे खुल जाएंगे हैं, चलो क्या समझ रहे हो, खुल जा भाई खुल जा। नहीं नहीं ऐसे नहीं खुलेंगे, इसको मोबाइल को मुझे एक मिनट, मोबाइल को मुझे ऐसे रखना पड़ेगा टांग के सहारे पे, और फिर दोनों हाथों से ये चीज़, ये भाई ये कुछ इस तरह के एयरपॉड्स हैं मेरे, एयरबड्स, एयरपॉड्स, एयरडॉट्स, जो भी बोल रहे हैं उनको, ये कुछ इस तरह के हैं। वाह, लाइट भी जल रही है। अच्छा, मुझे लगा था ये जो ब्लू ब्लू साइडें लगी हुई ये भी चलेंगी, लेकिन ये तो प्रैंक हो गया हमारे साथ, छोटी सी लाइट चल रही है। तो भाई अनपैक होने के बाद ये हैं हमारे एयरडॉट्स, एयरडॉट्स, एयरबड्स, जो भी बोल रहे हैं आप, दो दो नाम हैं इसके, तो भाई जो भी बोलते हैं, ये हैं प्यारे से क्यूट से गोल मटोल से हमारे एयरबड्स, एयरडॉट्स, जिसको अभी चेक भी करते हैं। 2 हफ्ते से मैं चेक कर रहा हूँ, 2 रुपये में भाई इससे अच्छी क्वालिटी मुझे तो नहीं लगता, और क्या लोगे, काफ़ी बेहतरीन है, और चार्जिंग भी सही ठीक ठाक चला लेते हैं। मैं एनी टाइम इसको लगाया हुआ ही होता हूँ शश के। ये देखो कान में भी फिट हो गया, इतने बड़े बड़े कानों में फिट हो गया। अभी देखते हैं इसको कनेक्ट करता हूँ मैं, कनेक्टेड है, पता नहीं वॉइस आपको आ रही है सही या नहीं आ रही, माइक टेस्टिंग भी हो जाएगी इसको। अभी तक मैंने लगा के वीडियो नहीं बनाई, कान में देखो फिट होगा कुछ, इतने बड़े बड़े कानों में। अगर आवाज़ आ रही है सही तो माइक टेस्टिंग भी हो गई इसकी, वरना तो वॉइस ओवर आ जाएगा तो आपको पता ही चल जाएगा। तो ये थी भाई आज की वीडियो, 2 रुपये में प्यारे से गोल मटोल से क्यूट से एयरडॉट्स, एयरबड्स, एयरपॉड, जो भी बोल रहा है इसको। ये मंगवाए मैंने कहाँ से हैं इसकी बात कर लेते हैं। ये मैंने मंगवाए थे अली एक्सप्रेस से, फर्स्ट ऑर्डर डील जो चलती है उनकी, पता ही होगा आप में से काफ़ी लोगों को, नहीं पता तो अभी जाके कर लो भाई ऑर्डर, मैं तो बोलता हूँ। ये बताया था मुझे अल्तमश ने, उस बेचारे का खुद का नहीं हुआ ऑर्डर और मेरा हो गया, नया पे से अकाउंट बनाया पहले मैंने, फिर वहाँ से फ्री का वो कार्ड दे देते हैं आपको, वर्चुअल कार्ड जो आप ऑनलाइन शॉपिंग में यूज़ कर सकते हो, और ऑर्डर करो अली एक्सप्रेस से, फर्स्ट ऑर्डर डील है, जो कि 2 रुपये में। ज़्यादा हैवी सामान नहीं है, मतलब लैपटॉप शैपटॉप ऐसी चीज़ें नहीं है, बैग वगैरह, लेकिन सही 1500-2000 के अंदर की चीज़ें हैं, और स्मार्ट वॉचेज हैं, ब्रेसलेट वगैरह हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लैंप लाइट हो गई, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मतलब 1500-2000 के अंदर की चीज़ें 2 रुपये में मिलेंगी आपको। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, बार बार इन्हीं को देखो। तो ये थी आज की वीडियो, अभी देखो आज अगर कहीं जाना मेरा हुआ उसका भी ब्लॉग श्लॉग बन जाएगा, वरना तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी वीडियो। सही है, मिलते हैं फिर आपसे। कैमरा एक तो मैंने उल्टा सीधा पकड़ा है, सेल्फी कैमरे से आज बना रहा हूँ ना वीडियो, बैक कैमरे से बनाता हूँ वरना तो इसमें बार बार मैं अपनी शक्ल ही देख रहा हूँ, इसलिए सही है कैमरे पर आ गया। चलो भाई मिलते हैं, अगर कहीं गया तो वीडियो आ जाएगी, बाकी साउंड क्वालिटी इसकी मुझे पता नहीं, एडिट करते हुए देखूँगा मैं कि सही है साउंड क्वालिटी या नहीं, वरना तो वॉइस ओवर करना पड़ेगा। 6 hours later तुम्हें कोई मज़ा वज़ा आता है एकदम बताने में? फालतू बात नहीं करी। क्या हुआ? क्या हो गया? एक तो एकदम बताया तूने कि इवेंट है तेरे साथ में, कल कितने बजे तक था? मेरे पास अभी आया काम, रात 3 बजे बैठ के खाली बातें कर रहा था पार्टी से बैठ के कि कब होगा काम, कब होगा। हालत तेरी बता रही है, रात 3 बजे तक तू कहाँ था सब पता चल रहा है। रात 3 बजे बैठ के पार्टी से डिस्कशन कर रहा था, चरस के अड्डे से आ रहा है अभी जैसे लग रहा है। बा बारिश हुई है क्या? मौसम हो रहा है, तू क्यों उठने का? मेरा तू क्या? मैं उठूँगा, आपका क्या है?
नहीं अब लेके आयो ताम तवाड़ा ही लेके चलो। क्या शादी वादी का इवेंट है क्या? तो भाई ये है हसन जिसको मुश्का पसंद है। क्या पसंद है तुम्हें मुश्का? अबे लोकेशन देख छोड़। ओके चलो भाई मिलते हैं आपसे लोकेशन पे। A few inches later. 125 ले ली। पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है तुम्हारे पास हैं? अभी 200 रुपए का जो आखिर तो क्यों खत्म हो गया? देखो इसके बाद 125 से पैसे हैं नहीं, पेट्रोल नहीं डलवा सकता। पैदल लेके घूम रहा है इतने सारे सामान के साथ, वो भी लालू खेत के अंदर। अभी शॉपिंग हो जाएगी ना पता चल जाएगा।